अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि ठीक कहने से बजाय इसके ये बता दूँ कि मैं हूँ काफ़ी बिज़ी, और ये मेरा जो दिन था ये काफ़ी हेक्टिक डे था, और बहुत सारे काम थे पेंडिंग करने वाले, और काफ़ी सारी चीज़ें समेटनी थी, तो मेरे दिल को एक हॉल पड़ा था, हाय अल्लाह मैं कैसे ये सब समेटूँगी, क्योंकि करना मुझे को था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं छोटी सिस्टर से जो है इतना भारी भारी काम करवाऊँ। तो मम्मा को हमने लगा दिया था एक ड्रामा तुर्की का है, कारादाई, ठीक है। उसकी उर्दू डबिंग में मुझे कुछ एपिसोड्स मिली थी, तो मैंने कहा मम्मा आप ये देखो, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके कहती थी लो मैं आपके साथ करवाती हूँ। तो मुझे एक शर्मिंदगी हो रही थी कि अब मैं अपनी बूढ़ी वालदा को कहूँ कि आएँ आप मेरे साथ पैकिंग करवाएँ, तो उनको उधर बिज़ी कर दिया था, और सिस्टर ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की, और वो मुझे टिप्स दे रही थी अगर हम इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ हुआ था इतने सामान को देख के। ऑल्दो कि मैंने काफ़ी सारा सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, काफ़ी सेल कर दिया था सामान, लेकिन फिर भी पता नहीं इस दफ़ा क्यों जो है मेरा दिल अजीब हो रहा था कि इतना बहुत सामान है तो उसको मैं कैसे समेटूंगी, मैं कैसे करूंगी। मैं फिर बाज़ार से जो है ये केजी के हिसाब से गत्ते वाले कॉटन्स लेकर आई थी, और इसके अंदर मैंने जो है सामान आहिस्ता आहिस्ता पैक कर दिया था, और मेरी सिस्टर ने यहाँ पर मेरी इतनी हेल्प की थी कि जैसे जैसे मैं सामान जिस जिस बॉक्स में पैक कर रही थी वो वाइट पेपर टेप के ऊपर लिखकर उसके ऊपर नोट लगाती जा रही थी कि इस वाले बॉक्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो ये चीज़ जो है मुझे इसकी काफ़ी कन्वीनियंट लगी थी। तो काम तो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था, जहाँ से शुरू करते थे ऐसा लगता था कि फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर इतनी देर में जो है सिस्टर ने बना ली थी चाय, और वो लेकर आई थी फ्रेश केक, और हमारे घर के पास जो है न्यू बेकरी ओपन हुई थी, जबकि हम लोग यहाँ से जाने वाले थे तब हमें ये सहूलत नहीं मिली थी, तो उन्होंने फ्रेश केक जो है बेक किए थे और गरम गरम थे, तो जो है ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी, तो मुझे कहा आप जो हो थक गई हो आप केक एंजॉय करो, तो मैं मम्मा के साथ आकर बैठ गई थी कि चलो थोड़ा सा जो है ड्रामा कारादाई का मैं भी देख लूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है नाजिफ कारा की, और इसके आई थिंक 3 सीजन्स हैं, और एक सीज़न दिखाया था इन्होंने उर्दू 1 पे और उसके बाद इसको ऑन एयर नहीं किया। तो मेरा रूम जो है काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था, काफ़ी सामान जो है वो फैला हुआ था, क्योंकि फर्नीचर मैं ऑलरेडी सेल कर चुकी थी, मैंने कबर्ड सेल कर दी थी, मैंने चेस्ट ड्रॉअर सेल कर दिए थे, और इसके अलावा जो मेरे पास प्लास्टिक के कंटेनर थे और प्लास्टिक की कबर्ड्स और ड्रॉअर्स थी वो भी मैंने सेल कर दी थी, तो उसके बावजूद भी जो है सामान मुझे लग रहा था कि कम होने में नहीं है। तो काफ़ी सारा काम था, मम्मा ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो यहाँ पे साथ साथ जो है मेरी मम्मा ड्रामा भी देख रही थी और तस्वीर भी कर रही थी, तो मैंने पूछा अम्मा जी ये क्या लॉजिक है, तो कहती हैं देख तो मैं आंखों से रही हूँ लेकिन दिल में मैं अल्लाह ताला की तस्वीर पढ़ रही हूँ और गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ड्रामे वगैरह नहीं देखने चाहिए, लेकिन फिर एक एक्टिविटी बंदा बोर हो जाता है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है कर रही है हलवा इंजॉय, जो कि मैंने मॉर्निंग में बनाया था सूजी का हलवा शुगर फ्री, और ये बना के मैं रूम में मैंने रख दिया था कि इतनी थकावट हो जाती है फिर किचन में जाने को दिल नहीं करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग काम करते थे, आते थे बैठ के हलवा खाते थे ठंडा ठंडा और फिर काम करने लग जाते थे। तो आप लोग बताएं आपको कौन सा वाला हलवा पसंद है, और शुगर फ्री मैं इसलिए बनाती हूँ कि मम्मा को शुगर है तो मैं फिर उसमें वाइट शुगर ऐड नहीं करती हूँ, और नेचुरल जो स्वीटनर है यानी किशमिश वगैरह या छुआरे इस तरह की चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, मेवे वगैरह, जिससे इसका मीठा थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो बहुत मज़े का हलवा बना था, और हमारे घर में सभी का फेवरेट है सूजी का हलवा। आप लोग कौन सा हलवा खाते हैं इनबॉक्स में कमेंट करके जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और ये अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ शेयरिंग करते हैं। तो काफ़ी सारा काम हो गया था और बहुत सारी चीज़ें स्क्रैप के लिए निकली थी, तो मैं हैरान थी कि इतना स्क्रैप कहाँ से निकलता आ रहा है, यानी ऐसी चीज़ें थी जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और वो स्टोर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा रिसाइकल कर दूं और इनको समेट लूं, जिससे जो है मेरा काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रेस रिलीफ करने का कि आप जो हो चीज़ों को स्क्रैप करने में लग जाओ तो आपका ध्यान बिल्कुल बढ़ जाता है। तो ये इतना बहुत सारा जो है गत्ता निकला था क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो सेल आउट कर दी थी, और जो नेबर्स वगैरह चीज़ें लेकर गए थे तो उन्होंने ये गत्ते वगैरह बिल्कुल नहीं पिक किए थे, वो जस्ट सामान लेकर गए थे, और किचन की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई थी
जिस तरह ये बास्केट है और बॉक्स वगैरह हैं, डब्बे हैं प्लास्टिक के, तो ये सब जो हैं इनको मैंने कर देना है रिसाइकल। और इस तरह जो है मैंने बैग्स के अंदर चीज़ें डाल दी थी कि मैं शॉप पर ले जाऊंगी, कैरी करने में ये आसानी होगी क्योंकि ये वाले चीज़ें जो हैं शोल्डर पे कैरी हो जाएंगी और बाकी शॉप पर हाथ में पकड़ूंगी, अगर वैसे हाथ में पकड़ती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ आ गए थे हम लोग स्क्रैप वाली शॉप पर और जो है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस स्क्रैप के मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि जस्ट गत्ते के ही मुझे 300 रुपीज़ 50 मिले और जो प्लास्टिक था उसके जो हैं मुझे 200 रुपीज़ 50 मिले। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होप कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।